इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना के हालात पर बड़ी बात कही। उन्होंने दावा किया कि यूपी में कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में केवल 1000 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक्टिव केस भी 20,000 से कम रह गए हैं। आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। विगत वर्ष हमारी सरकार ने 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता और ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। इस बार फिर से और साथ साथ 54 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता भी दिया था। इस वर्ष पुनः हम लोगों ने इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। लगभग 2 करोड़ से ऊपर श्रमिक और कामगार प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। इन सभी को सामाजिक सुरक्षा 2 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर इस निर्णय को ले चुकी, उसको लागू कर रही है। अनलॉकिंग का प्लान आपने सुन लिया, किस तरीके से कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं ये जानकारी भी आपको मिल गई। लेकिन आज की एक बड़ी खबर जो लगातार सुर्खियों में रही, भारत सरकार ने ट्विटर को अब क्या फाइनल नोटिस दिया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर डिटेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।